आज राजस्थान रोडवेज के सभी कर्मचारी साथी पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन करने की स्थिति है नौबत क्यों आई? क्योंकि जब हमने 20 दिन की हड़ताल पिछली सरकार में की थी, तब सचिन पायलट माननीय उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने हमारी सभाओं में आकर हमारे को वादे किए थे कि 7th पे कमीशन हो, चाहे नई बसों की खरीद हो, चाहे नई भर्ती हो, चाहे डीए का मामला हो, हर चीज़ आपको मिलनी चाहिए, हर चीज़ का आप हकदार है। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद अपने उन वादों को भूल गए हो, उन हमारे उन हकों को भूल गए हो। इसलिए हम दूध के चले हैं, छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। हम पिछली सरकार के अंदर भी आंदोलन रहे, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम भी इस सरकार से हमारी मांगों को रखते आए हैं। और इन्होंने जो वादा किया था या तो उसको तुरंत पूरा करें। नहीं, आज तो हमने सिर्फ एक दिन का ये प्रदर्शन किया, 2 घंटे का, लेकिन आगे हमारी जो पूरे राजस्थान के अंदर इसके संदर्भ में बैठक होगी और आगे हर आंदोलन पर जाने के लिए हमारा राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी तैयार है। मैं अनिल कटारिया, आज मेरे आगार से एटक सचिव।